नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। बीजेपी अध्यक्ष गाजीपुर पहुंचे, नड्डा के निशाने पर मुख्तार, कहा आपने गलत सांसद चुन लिया, गलत जगह बटन दबा ए जा तो माफिया राज आ जाता है। कांग्रेस नेता का पीएम पर विवादित बयान, हरिप्रसाद बोले मोदी कहते हैं मुसलमानों को विश्वास में ले, यह शैतान को उपदेश देने जैसा। राहुल गांधी के बयान पर वरुण गांधी के नए रास्ते, अखिलेश की तारीफ कर नया विकल्प खोजा, खुद को किसानों युवाओं का नेता बताने की कोशिश की। लखनऊ में वीसी विनय पाठक मामले में सीबीआई ने पूरी जांच की, केस की जुड़ी लोगों को भेजा जाएगा नोटिस, दर्ज होंगे सभी प्रकार के बयान। यूपी की बड़ी खबरें, खतौली विधायक मदन भैया और चंद्रशेखर के वाहनों को तोड़फोड़, दोनों नेताओं ने भाजपा की साजिश बताया। लखनऊ में सीआरपीएफ का सिपाही भी सालवर गैंग में शामिल, पूर्वांचल में बेरोजगार लोगों के गिरोह में शामिल फंसाता था, तीन आरोपी फरार। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, अयोध्या बोले भारत की खाक दुनिया में, बड़ी ब्रिटेन पीछे छोड़कर पांचवा स्थान हासिल किया। राजनाथ सिंह ने कहा पीओके हो या पाकिस्तान हो, वहाँ की जनता सुखी रहे। प्रयागराज में राजनाथ सिंह ने कहा भारत वसुधैव कुटुंबकम का हर बार संदेश देता है। नेपाल प्लेन क्रैश में बेटों का शव लेने गए घर वालों की आपबीती, तीन दिन से भटक रहे, बोले कहा जा रहा शव में कुछ नहीं, बस हाथ पर ही मिलेंगे। प्रयागराज में बाबू का रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल, कहा 2000 से कम में लेटर नहीं बनेगा, अधिकारी हिसाब मांगते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट का 1800 करोड़ का टैक्स माफ, अयोध्या में निधि समर्पण अभियान में ट्रस्ट को मिले थे 5500 करोड़ रुपये। अयोध्या में 27 को साकेत महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद महानगर सम्मेलन होगा, 30 जनवरी को कुमारगंज में विद्यार्थी महाकुंभ में शामिल होंगे, कहा गांव तहसील कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। अयोध्या में महिलाओं को यातायात नियमों की लेकर किया गया जागरूक, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों के जागरूक करने के लिए निकाली गई स्कूटी रैली। राज्य सेवा प्राधिकरण ने किया आजमगढ़ जेल का निरीक्षण, जेल में बंद कैदियों की समस्याओं के बारे में ली जानकारी, अयोध्या के दिया समाधान के निर्देश। मथुरा में प्रियकांत जू मंदिर का होगा पुटकोत्सव, मंत्री ने किया गौशाला का लोकार्पण, सांसद हेमा मालिनी ने दर्शन कर दी बधाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मामले में 25 जनवरी को सुनवाई, दोनों पक्षों को सुबह 11 बजे मौजूद रहने का दिया निर्देश, मुस्लिम पक्ष बोला दावे की नहीं मिली कापी। अमेठी में आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, दर्जनों स्कूलों के 1000 से ज़्यादा छात्र रहे प्रतिभाग, गुरुकुल ज्ञान अकेडमी में आयोजित हुई प्रतियोगिता। अमेठी में दबंगों ने माँ बेटी सहित परिजनों को पीटा, घर में के सामने दरवाजा लगाने का कर रही थी विरोध, पुलिस ने कराया समझौता। बलिया में सपा ने कहा पहलवानों के मामले में होगा कार्रवाई, पहलवानों के आरोपों की सिटिंग जज से कराई जाए, देश का नाम हो रहा बदनाम। बलिया में अधिकारियों ने लगाया ग्राम चौपाल, ग्रामीणों ने लगाया समस्याओं का अंबार, बीडीओ ने समस्याओं के निस्तारण का दिया भरोसा। लखनऊ में वार्ड में लगे सरकार के खिलाफ नारे, नाली सड़क सीवर की खराब व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, संजय सिंह ने सवाल पर उठाए सरकार पर सवाल। यूपी में कोयले की कमी नहीं, विदेश कोयला खरीद कर उपभोक्ता परिषद का विरोध हुआ तेज। लखनऊ में ब्रजभूषण के समर्थक में उतरे ओलंपिक संघ के महासचिव, बोले खिलाड़ियों पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, मुझ पर रेप का मुकदमा है, आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। लखनऊ में साल में 2 बार होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर, परिषदीय स्कूलों में टीचर्स के तबादले का प्रावधान को शासन ने दी मंजूरी। आगरा में फर्जी टीटी बनकर वसूली करने वाले को सजा, ट्रेन में वर्दी पहनकर यात्रियों का चालान बनाते पकड़ा गया था। भाजपा सांसद पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना, कांग्रेस ANUI ने किया प्रदर्शन, बोले जब तक बेटियों को न्याय नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बीएचयू में 10 बैलून ने भरी उड़ान, ACO डेलीगेशन ने लिया काशी के स्काई टूरिज्म का लुत्फ, बोल फेस्ट में आए क्रिकेट प्रवीण कुमार। कानपुर में सर्दी का सितम हुआ थोड़ा कम, दिन में अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक पहुंचा, 2 दिन से में हल्की बारिश का हो सकता है अनुमान। 1.5 महीने से गायब तेंदुआ आया सामने, स्मॉल आर्ट्स फैक्ट्री में जंगलों में दिखा, कुत्ते और बंदरों का किया शिकार। MLA इरफान पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई तेज, कानपुर से लेकर मुंबई तक संपत्तियों चिन्हित, पुलिस ने जारी किया पोस्टर।
पूर्वांचल के विकास में कानपुर देगा अहम योगदान। कानपुर में बिल्डर्स करेंगे 5500 करोड़ के निवेश। कमला क्लब में टाउनशिप जारी। टीटी ने यात्रियों को ट्रेन में पीटा, जुर्माने की रसीद मांगने पर भड़का। जनरल टिकट पर स्लीपर में चढ़ गया था युवक। लखनऊ में बैंककर्मी ने गोली मारकर किया सुसाइड, पिता बोले अधिकारी करते थे प्रताड़ित, दबाव में आकर दे दी जान। भारत न्यूजीलैंड दूसरा वनडे आज, जीते तो घर में लगातार सातवीं वनडे होम सीरीज जीतेंगे। जानिए पॉसिबल प्लेइंग 11 की टीम। क्या शादी के बाद चमकेगा राहुल का करियर, रोहित का रिकॉर्ड सुधरा। जानिए विराट और धोनी पर कैसा रहा मैसेज इफेक्ट। विवादों के बीच होगा कुश्ती टूर्नामेंट, पहले दिन 400 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में खिलाड़ियों की संख्या कम रही। 12वीं पास के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में 3309 वैकेंसी। वेस्टर्न कोल फील्ड्स में 10वीं पास के लिए जॉब मिलेगी, 34,000 तक रहेगी सैलरी। इसी के साथ धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।